नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ दर्शक हैं, गज़ल प्रेमी हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूँ आपका होस्ट गुलशन नदीम। काटी कहीं पे रात तो काटी शहर कहीं। अब शहर मत समझे, शहर टाउन है, शहर मॉर्निंग। काटी कहीं पे रात तो काटी शहर कहीं, राहे वफा में चैन ना पाया मगर कहीं। वो सुन रहे हैं वो मेरा अफसाने हयात, दिल है कहीं, ध्यान कहीं, है नजर कहीं। आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि ध्यान इधर कर लें, नजर इधर कर लें, तभी आपको मजा आएगा। आज का प्रोग्राम कुछ खास है, कुछ अलग है। टुडे शो इज बेस्ड ऑन द सम ओरिजिनल सॉन्ग्स। द प्रोग्राम विल बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट इज ए कंप्लीट डिफरेंट वन एंड यूनिक। आप सभी जानते हैं कि गजल को नॉर्मली उर्दू या हिंदी से मुंसलिक किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जिंदा दिल शायर कवि हैं हमारे ओडिशा में, आम ओडिया भाषिंकर इमतिया गोटे जिंदा दिल कवि पोएट अच्छा, जे कि गजल को ओडिया भाषा रे आपण मन पई नहीं आसछंती। मु अनुरोध करी ताको पई टिके करताली जोरदार हो जाओ। अब गजल के भी अलग अलग रंग है, गजल है, नज्म है, दोहा है, कता है, सलसा है। गजल लिखने के भी ढंग अलग हैं, फाइलन फाउलन फाउलत, ये उर्दू की बात है, रदीप काफिया ये पूरा मैचिंग होना चाहिए। लेकिन जो ओडिया में संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है इसको बांधना छंद में, लेकिन फिर भी कोशिश है हमारी। एक गीत या गजल आप लिखे हुए आकार में लिख सकते हैं, लेकिन उसको पॉपुलर करने में, लोगों के दिल तक पहुंचाने में एक म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक ऐसा कंपोजर जो गजल को गजल की तरह कंपोज करे, नज़म को नज़म की तरह कंपोज करे, लाइट म्यूजिक लाइट गाने मजाहिया गीतों को गीत की तरह कंपोज करे। एंड क्रेडिट गोज टू आवर लिरिसिस्ट एंड म्यूजिक डायरेक्टर। आज की शाम ये जो प्रोग्राम आप यहाँ देख रहे हैं लाइव, लेकिन जो लोग हमें घरों में बैठकर देख रहे हैं दूर दराज इंडिया, इंडिया के बाहर, वो 113 सिग्नेचर स्टूडियो की तरफ से देख रहे हैं, उसके माध्यम से देख रहे हैं अपने मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे या स्मार्ट टीवी पर। मैं ज़्यादा न वक्त लेते हुए मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे कंपोज़र को अभी, मिस्टर राज किशोर गुछैत जी, प्लीज़ आप आएँ। मनोज कृपि ताकूँ करताड़े दियंतु। एवं आज मुख्य अतिथि आज ये उपस्थित अच्छा, मंच ऊपर को अनुरोध करी आसवापी ओडिया कलाकारों में आप मैंने देखिथे बहुत आमर ओडिया कंठशिल्पी मान लेजेंडरी सिंगर्स मानक ओडिशा भितर बेसी पॉपुलैरिटी पाई कि इंडिया रे। किंतु जड़े एमती कंठशिल्पी बीइंग ए ओडिया, उर्दू गजल को नेशनल लेवल में पहुंचाने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, जो उर्दू को उर्दू की तरह बोलें, गजल को गजल की तरह गाएं, वो और कोई नहीं, वो है मौरमणि डॉक्टर प्रणव किशोर पटनायक जी, लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर ऑफ ओडिया फिल्म इंडस्ट्री। वी आर प्राउड सर आप यहाँ उपस्थित हैं। मुझे सहित अनुरोध करी श्री गौरी पटनायक जी, जे कि रिटायर्ड स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो जयपुर, जे कि 20 रु अधिक ओडिया फिल्म रे गीत लिखी, साहित्य एकेडमी, साहित्य नाटक एकेडमी, जूरी फ्रॉम द फिल्म अवार्ड्स, अनुरोध करी मंच उपरक आसवापी। श्री विपिन कुमार साहू, प्रिंसिपल डीएबी पब्लिक स्कूल कलिंगा नगर, श्री गौरव पटनायक जी, जहाँ को मुझे कि साहित्य एकेडमी अवार्ड से पाई, मुझे अनुरोध करी करताली टी जोरदार हो जाओ, अभाव न था, तो अनुरोध करी श्री राजकिशोर गोछाई जी लीड करी आसतु मंच उपरक। वन सेकेंड आई रिक्वेस्ट मौरमणि डॉक्टर प्रणव किशोर पटनायक जी, श्री गौरव पटनायक जी, श्री विपिन कुमार साहू जी।
मुझे अनुरोध करी आम दीप प्रज्वलन करके आज कार्यक्रम को शुभारंभ करूँ अनुरोध करी पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरि ओम शांति। ग्रैंड म्यूजिक रिलीज उपलक्ष्य रे आसंतु आम अतिथि बंधु मान को आम सम्मानित करिबा। पुष्पगुच्छ एवं उतरी दे तंको आम सम्मानित करिबा। सम्मानित करिया पाई मु अनुरोध करिबी श्री बसंत कुमार दास जी रिनाउंड लेजेंडरी लिरिसिस्ट ऑफ ओडिया फिल्म इंडस्ट्री एवं संगीत जगत रे श्री बसंत कुमार दास जी तांको विषय परे कहबी से कौन मु जानी बोले कि एंड श्री लक्ष्मीनारायण महांति महोदय को अनुरोध करी ऑल इंडिया रेडियो लिरिसिस्ट सिंस 1964 सर्वप्रथमे मु अनुरोध करी सम्मानित करूँ आम अति प्रिय मऊरमणी डॉक्टर पंडित किशोर पटनायक जी। अ लिविंग लेजेंड ऑफ आवर ओडिया फिल्म म्यूजिक। तापरे श्री गौरव पटनायक जी रिटायर्ड स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो जयपुर जे 20 रु ऊर्ध ओडिया कथा चित्र से गीत लिखिंट साहित्य एकेडमी अवार्ड संगीत नाटक अवार्ड एवं जूरी फॉर फिल्म अवार्ड्स तापर मु अनुरोध करी श्री विपिन कुमार साहू जी प्रिंसिपल डीएबी पब्लिक स्कूल कलिंगनगर गुरु का स्थान इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। हम सभी
इंसान के तीन बाप होते हैं, तीन माँ बाप। एक माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, दूसरा जब आप बड़े होंगे जो आपको बेटी या बेटा देगा यानी ससुर सास, और तीसरे बाप होते हैं हमारे गुरुजन। बाप माँ तो जन्म कर देते हैं, जब आप बड़े होंगे सास ससुर बेटा या बेटी जरूर देंगे, लेकिन समाज में जीने का सलीका तरीका बताते हैं ये गुरुजन। तो इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों साथियों, हालांकि हम थोड़ी सी चेंजेस अब करना है कि आज आप सभी को पता है कि आज जो म्यूज़िक वीडियो रिलीज होने वाला है समथिंग यूनिक आप मैंने जानी थी ताले आसन। तो सही जो सुंदर शब्दों को गोटे सुंदर हनी डीप ट्यून रे से कंपोज कर श्री राजकिशोर गोछायत जी को आम पुष्पगुच्छ दिए सम्मानित करवा मुझ अनुरोध करी डॉक्टर प्रणव किशोर पटनायक जी तंका हतुरा में तंको सम्मानित करीबा। प्लीज प्लीज वर्तमान हमें ए म्यूजिक वीडियो रे ग्रैंड म्यूजिक रिलीज रे जे कंठदान कर कंठशिल्पी मानक अनुरोध करी मंच पर आसवापी सम ऑफ आवर सिंगर्स हु आर नॉट प्रेजेंट हियर बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस लाइक तलत अजीज साहब, अनुराधा पडवाल जी, जगदीश स्वाई, वो आज यहाँ मौजूद नहीं, किंतु वर्तमान जे आम एटी ऑडिटोरियम उपस्थित अच्छा मुझे अनुरोध करी। सर्वप्रथमे श्री दुर्गाचरण मिश्रा जी, अ ट्रू म्यूजिक लवर एंड ए पैशनेट सिंगर, करताली दे स्वागत करंतु श्री दुर्गाचरण मिश्रा जी। से म्यूजिक वीडियो रो गाइछंती, इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक वॉइस। आई थिंक दीप्ति रेखा आसी ना आम नेक्स्ट हो जा। समीक्षा मिश्रा, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड यंग सेंसेशनल सिंगर। समीक्षा ऑन द वे, ओके ओके नेक्स्ट हमें जीवा। विनर ऑफ प्रणव आश्रय सॉन्ग जो कंपटीशन होता प्रणव पटनायक जी को किसी गीत को लेकिन गोटे सुंदर कार्यक्रम होता से विनर होते बहुत किसी रियलिटी शो रे आप माने तरंग म्यूजिक बा आम ओडिया चैनल्स रे मध्य भी तांको देखी थे लाइव शो वर्चुअल शो रे भी आपण माने तांको देखी थे एवं एई वर्ष 2022 इंडियन आइडल पाई सिलेक्ट होई छंती नन अदर देन संदीप मिश्रा इज अ फैंटास्टिक वॉइस। And now the very upcoming singer studying in standard 10 in DAV Kalinganagar public school and also a student of Rajkishor Gochayat ji and none other than Swarup Patnaik। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट से सिंगर नहंती किंतु ये वीडियो एल्बम रे से अभिनय करिछंती बेचैनी के आलम रिटेन बाय सुब्रत महती एंड सिंगर तलत अजीज साहा फर्स्ट टाइम से गाइछंती जड़े ओडिया म्यूजिक डायरेक्टर अंडर रे नन अदर देन राजकिशोर जी को संगीत निर्देशन रे ममता त्रिपाठी एक्ट्रेस अभिनेत्री ममता त्रिपाठी जी।
ओके थैंक यू सो मच. नाउ वर्तमान मु अनुरोध करी यही सुंदर वीडियो को जे तंकर निज कलम रो ना जो पेन रो जे सुंदर भाव लिखी गीत को लिखी गजल नज्म बल्ले. नाउ द टाइम टू कॉल ऑल दोज लिरिसिस्ट ऑन स्टेज हु हैव मेड ऑल दीज सॉन्ग्स ब्यूटीफुल विथ देयर मैजिकल पेन. श्री बसंत कुमार दास जी अप्रूव्ड लिरिसिस्ट ऑल इंडिया रेडियो सिंस 1978 हैज रिटन मोर देन 7,000 सॉन्ग्स इन डिफरेंट जनर्स. Many of the songs written by him have been sung by some legendary singers like Pandit Raghunath Panigrahi, Akshay Mahanti ji, Radha Krishna Bhanja ji, Aarati Goswami, Shekhar Ghosh, Mitali Chinara, etc. And for the first time for our Odia audience, Bollywood's playback singer, Ghazal singer Mr. Talat Aziz sang a song written by him, To Akhire Aakhi Misiba Aguru. Ladies and gentlemen, put your hand together once again by Shri Basant Kumar Das ji. And now, Shri Prafulla Kumar Tripathi ji, approved lyricist All India Radio, written more than 1500 songs. Many legendary singers have also sung his beautiful lyrics like Trupti Das ji, Shekhar Ghosh ji, Geeta Patnaik ji, Bhikari Bhalo ji, and Anuradha Padwal ji. Shri Prafulla Kumar Tripathi ji. एंड नाउ श्री प्रताप कुमार पंडा जी जे राहुल किरारे आसछंती के अच्छा ओके बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं. श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी अप्रूव श्री प्रताप सॉरी श्री प्रताप कुमार पंडा जी फ्रॉम राहुल किला. ही इज अ वेरी वेल नोन लिरिसिस्ट ऑफ टुडेज एरा एंड ऑल्सो रिटन सॉन्ग्स फ्रॉम टुडेज म्यूजिक दैट इज अबाउट टू बी रिलीज. Jolly Swain ji, a young talent, the use of new words and the life that she brings to her songs about the new age ideology is today's only female lyricist of our show. Jolly Swain ji. I definitely thank to Shri Subrat Mahanti, who currently lives in Los Angeles, USA, is an amazing songwriter, decorating many beautiful words in a single garland, bring them with a great beauty. Unke likhe lyrics ko bhajan samrat Anup Jalota ji, Suresh Wadkar ji, Sadhana Sargam ji, Sangeeta Gosai ji, Basant Patra, Rabindra Mahapatra, and above all, Talat Aziz ji have beautifully sung the songs written by him. Due to living in the US, he could not join physically with us. But through Facebook, he is being with us. Thank you so much. And now, Shri Hitendra Mahanta ji. Today, you will also hear his beautiful presentation and the song written by him. Hope all of you will enjoy this song very much. But he is not here today. And now, let me also introduce our musicians who will make today's show even more beautiful. In tabla, Shri Sanjay Raut ji is a well-known tabla player. Jeki bahut odisar legendary singers mananko sahita musician mananko sahita sangat karichanti stage share karichanti Sanjay Raut ji. In keyboard, my favorite Bablu Chandrakant. And now the very young in percussion, in pad, Rajesh Kumar Jena. Percussion bahut sundar bhavere bajanti. And also he is a very good tabla player. Rajesh Kumar Jena. Thank you. Thank you so much. Bartaman
मुझे भी आपने ध्यान दिखाँ आप बस जातु प्लीज सर गेस्ट बस जातु ना आई वुड लाइक टू कॉल अ पर्सन ऑलरेडी स्टेज रे अच्छा अबाउट हुम परहैप्स यू डोंट नो आपने जाणी ना कि मु बहुत किसी जाणी जहाँ जाणी निश्चय मुझे चाहे हु हैज कंपोज अबाउट 1500 सॉन्ग्स इन दैट ही हैज कंपोज गजल भजन्स मॉडर्न सॉन्ग एंड सिनेमा सॉन्ग इन हिंदी ओडिया इंग्लिश संस्कृत एंड बंगाली और भी बहुत किसी लैंग्वेजेस रे अ पर्सन हु हैज गिवेन द यूनिक म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड यूनिक म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड डू यू नो व्हाई कहीं दिखाई तुमको बिकॉज ऑफ हिज फास्टेस्ट एंड इंस्टेंट म्यूजिक कंपोजिशन द रिकॉर्ड फॉर कंपोजिंग 18 सॉन्ग्स इन 2 आवर्स थोड़ा ताली हो जाए यार अगर आपको यकीन नहीं है कोई भी एक गाना देकर देखो कितनी जल्दी वो 5-10 मिनट के अंदर कंपोज करते हैं इन द मल्टी लैंग्वेजेस कैटेगरी ही हैज कंपोज अ सॉन्ग इन 7 लैंग्वेजेस ए सॉन्ग गोटे गीत 7 लैंग्वेज विच इज प्रोबेबली द सेकेंड सॉन्ग आफ्टर द फेमस सॉन्ग मिले सुर मेरा तुम्हारा उसके बाद ये सेकेंड सॉन्ग है जिसमें उन्होंने 7 भाषा को एक ही गाने में इस्तेमाल किया है वासुदेव कुटुंबकम ये बात तो आप जानते हैं कि पूरा विश्व एक घर है और हम सब परिवार हैं इफ द होल वर्ल्ड इज वन हाउस देन वी आर द फैमिलीज ऑफ द हाउस द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड आर वन देन व्हाई डू वी फाइट विथ ईच अदर कीपिंग दिस इन माइंड ही कंपोज ए सॉन्ग इन विच द सिंगर्स फ्रॉम 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गेव देयर वॉइसेज विच वी आर प्रेजेंटेड फॉर वर्ल्ड पीस This is probably the first time in history of the world. दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ किसी सज्जन ने किसी होड़िया शख्स ने एक ऐसा गाना कंपोज किया जिसे 40 देश के लोगों ने आवाज दी है अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज अ राइटर हु हैज रिटन ए बुक ऑन म्यूजिक ही हैज ट्रेमेंडस एक्टिंग स्किल्स ड्यू टू विच ही ऑल्सो एक्ट्स इन ड्रामाज ही इज अ वेरी गुड म्यूजिक टीचर एंड एट द मोमेंट ही इज टीचिंग इन DAV पब्लिक स्कूल कलिंगनगर एज अ म्यूजिक टीचर ही हैज ऑल्सो होस्टेड सेवरल शोज एंड इज ऑल्सो ए सोशल एक्टिविस्ट मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि ये मैं जानता हूँ आपके सामने लाना बहुत जरूरी है मेनी लेजेंडरी सिंगर्स ऑफ आवर स्टेट हैव संग इन हिज कंपोजिशन लाइक पंडित रामहरि दास जी शिवरथ जी विजय कुमार जीना जी सुभाष दास जी तृप्ति दास मैडम बिबू दास शैला भामा ईरा महांती तानसेन सिंह संगीता गोसाई शांतिलता बारिक बिबू किशोर शक्ति मिश्र कुमार बापी सौरभ नायक रविंद्र महापात्र एंड मेनी बॉलीवुड सिंगर्स लाइक अनुराधा पडवाल जी अनूप जोलटा साधना सरगम जी कृष्णा बेवरा एंड तलता जी ही हैज ए ड्रीम टू रिकॉर्ड एट लीस्ट 1 सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ गुलाम अली जी द किंग ऑफ गजल सपना एक है कि गुलाम अली जी की आवाज में एक गाना मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा अपने बुरे दिनों में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त इन्होंने कभी भी अपने म्यूजिक का स्तर को नीचे गिराया नहीं बहुत सारे चीप लिरिक्स गंदे लिरिक्स आते थे कंपोज करने के लिए मना किया मैं नहीं करूंगा भूखा रह जाऊंगा पानी पी के सो जाऊंगा लेकिन गलत लिरिक्स को कभी भी मैं कंपोज नहीं करूंगा एंड नाउ I would like to Dr. Pranav Kishore Patnaik ji, please. तो मैं चाहता हूं कि बुलाया जाए ऐसे गुणी म्यूजिक डायरेक्टर को none other than Raj Kishore Gochhayat ji, please. ओडिया म्यूजिक लवर हमेशा आपके साथ हैं आप अच्छे लिरिक्स के कंपोज करते रहें हम सब आपके साथ हैं समीक्षा मिश्रा भी अभी पहुंची हैं तो मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए जिनकी आवाज में आज कुछ गाने पे आप देखने वाले हैं Now I would like to request our guest to say a few words about this show. Mo sarvapathame anurodh karibi Shri Bipin Kumar Sahu ji, principal DAV Public School. Subha sandhya.
समस्त मोरो नमस्कार सम्मानस्पद डॉक्टर प्रणव सार एंड गोरहेड सार एवं उपस्थित थिबा सबू अतिथि मंडली आज मो पई एक गर्वर दिन जो महान म्यूजिक स्टार मान को गणे रूम आज बसी पार्टी से मानक प्रथम मोर नमस्कार मोर संगीत प्रति कौन अवदान ना किंतु इच्छा निश्चय अच्छी से आमर जो विद्यालय म्यूजिक टीचर राजकिशोर गोछात जदियों से दस वर्ष होला विद्यालय रे म्यूजिक टीचर हिसाब रे काम कले मु देखी तांकर नॉर्मल दायित्व शिक्षा देवा दायित्व सहित तांकर संगीत प्रति आग्रह संगीत प्रति सम्मान सब वाले मु देखी जेते बड़े कौनसी गीत सी लिखती बा म्यूजिक दियंती सबुटिक निश्चय मूल्यबोध थिबो एवं आज जो प्रोग्राम अनुष्ठित होउची मु भावुछु बोधे युवगोष्ठी मध्य प्रथम होउछंती ई पीढ़ी रे जो गजल को पुनर्जीवित करेबा आशा करे तांकर इच्छा आगु आगु जाऊ एवं भगवान तांकु सब बले आशीर्वाद करंतु धन्यवाद थैंक यू सो मच नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री विपिन कुमार साहू जी प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल कलिंग थैंक यू रिटायर्ड स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो जयपुर श्री गौरव पटनायक जी थैंक यू सर मोर मोर बड़ भाई ओडिशार जड़े प्रतिष्ठित गायक कंठशिल्पी श्रीजुक्त प्रणव किशोर पटनायक एवं उपस्थित डीएवी कॉलेज रो प्रिंसिपल महोदय एवं संगीत प्रेमी आपण माने आज ए भिन्न आसर को मु आपण मानंकु स्वागत जणुचे इथिपई जे इभळी गोटे अभिनव उद्यम गोछायत करिसंती दुई वर्ष करोना आम समस्त को गृहबंदी कर दीथिला आमे से गृहबंदी अवस्था रु सुधरीचु अनेक परिमाण रे सुधरीचु एवं ए आशा करूची परिस्थिति निश्चित भाव रे पूर्व भली अवस्था को आसीबो संगीत आसर बहुत होउची किंतु गजल आसर करिवा पई बहु परिश्रम दरकार कहीं गजल बेसी लोक लिखु नाहंती बेसी लोक गाउ नाहंती मु आकाशवाणी कटक केन्द्र एवं जयपुर केन्द्र रे बहु वर्ष चाकरी करिछि एवं उभय क्षेत्र रे संगीत विभाग दायित्व रे थिली तेणु मु जानिछि हाथ गणति केत जण गजल गाउथिले आगे बराबर गजल आसर मध्य आकाशवाणी आयोजन करूथिला बहु वर्ष होला प्राय 20 वर्ष होला ता मध्य बंद हो गला बाहर विभिन्न प्रदेश रु गजल शिल्पी माने आसुथिले गजल गाउथिले एवं हॉल भरपूर हो उठुथिला एही जयदेव भवन रे मध्य आकाशवाणी मु साहित्य संगीत विभाग दायित्व थिला बळे थरे आयोजन करिथिली बाहर सब शिल्पी माने आसीथिले गजल लिखिबा वर्तमान जो जो मैंने सब गीत लिखुंट गजल लिखा किसी कष्टकर नुहे
निश्चित भाव लिखिपारे बहु अल्प लोक अल्प लिरिसिस्ट बा गीति कवि गजल लिखिंट यही पे लिखुना जे गायबार लोक पहुँचे बार रास्ता ना कौन प्रकार स्कोप ना से जमती पल्ली गीत देशात्मबोध गीत आगर बहुत होता किंतु आस्ते आस्ते कमीगला तार चाहिदा कमी ना कि आकाशवाणी बंद करदे जो पल्ली गीत देशात्मबोध गीत आउ प्राय कहीं लिखुना ओडिसी अवस्था से यदि बाहर ओडिसी नृत्य गीत किंतु बहुत कम आमर भाषा शास्त्रीय मान्यता पाई आमर ओडिया भाषा बहुत समृद्ध किंतु गीत क्षेत्र में विशेषकर गजल क्षेत्र में आम बहुत पछरे पड़ी बहु वर्ष पर आज सुजोग आम को देखते गोछायत बाबू मु धन्यवाद अर्पण करुच्ची अभिनंदन जनाऊँ आहुरी आहुरी उन्नति करूँ एभली आशर आम मान मझे मझे शुणातु से आशा रखी मुझे पुणि थे धन्यवाद दे मोर वक्तव्य शेष कर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रणव किशोर पटनायक जी को कथा शुणा पूर्व आसतु आम से आमर म्यूजिक लंच आज हूँ जो रिलीज होमें उन्मोचन करवा ये रिलीज करवापर सार कथा शुणी आम आमर आज जो म्यूजिक रिलीज वीडियो आमे ऑन प्रोजेक्टर भी देखा ऑनलाइन फेसबुक रू भी लोक देखुंट कुछ लोग जो हॉल के अंदर बैठे हैं आपण मैंने बस आपने चाहिए भी 113 सिग्नेचर स्टूडियो फेसबुक पेज को जातु 113 सिग्नेचर स्टूडियो पेज को जातु डायरेक्ट मोबाइल भी आपने लाइव देखिपारे एंड द क्रेडिट गोज टू टीम 113 सिग्नेचर एंड हियर इज द पोस्टर ऑफ द म्यूजिक लॉन्च थोड़ा और ताली हो जाए जोरदार द मास्टरपीस क्रिएटेड बाय राज किशोर गोछाए जी एंड हिज लिरिसिस्ट एंड एज वेल एज द सिंगर्स बहुत सुंदर गोटे प्रयास मुझे आगे को पड़े आसे दैट्स अ वंडरफुल द बैकग्राउंड आपने देखिपर अनुराधा पटवाल जी एवं फर्स्ट टाइम तलत अजीज ओडिया कंपोजर अंडर गीत गाई एंड दैट टू बी राज किशोर गोछायत जी थैंक यू सो मच सच ए वंडरफुल पोस्टर जिनका सबसे अलग अंदाज है जिनका सबसे अलग अंदाज है जिन पर सभी संगीत प्रेमियों को नाज है हमेशा छा जाते हैं गाकर महफिल में जो डॉक्टर प्रणव पटनायक की वो मीठी आवाज है तो चलिए उनकी आवाज में आज के प्रोग्राम के बारे में इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि गजल को गजल की तरह गाना और वो भी सही डिक्शन प्रोनाउंसिएशन के ये बंदा इनसे बड़ा तो मैंने देखा नहीं ओडिशा में क्लीन उर्दू मैं कभी कभी डर जाता हूँ इनसे बात करते हुए तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो उड़िया में भी बोलें और हमारे जो हिंदी भाषा के सुनने वाले 113 सिग्नेचर स्टूडियो में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देख रहे हैं तो कुछ हिंदी उर्दू में भी बोलें जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम नमस्कार जनाऊँ आज श्रावण सन्धार मधुर सन्धार आपण मैंने आसीत प्रेमी हिसाब से संगीत को भल गजल को भल पाता सभी को मोर अभिनंदन विशेष कंग्रेचुलेसन मुझे
ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଅତି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାରଣ ଗଜଲଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ଗଜଲକୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୂଆ ପିଢ଼ି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କମ୍ପୋଜର୍ ଆକୁ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଗଟ୍ସ, ତାଙ୍କର ଡିଭୋସନ୍, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଡିଏଭି ସ୍କୁଲର ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ରାଜକିଶୋର ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ସେ ଜଣେ ନିଜେ ଭଲ ଗାୟକ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀକୁ ଜାଣନ୍ତି। ନ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତାରାତାରିଜୀ ଅନୁରାଧାଜୀଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ଯାଇକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନଥାନ୍ତେ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାଟା ହେଉଛି ଏତେ ରିଚ୍ ଭାଷା, ଏତେ ମଧୁର ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି। ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ସ୍କଲର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଉପରେ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଉପରେ ଅନେକ ବହି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗଜଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜକିଶୋର ଗୋଚ୍ଛାୟତଙ୍କର ପବ୍ଲିସିଟି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତୁଟା ହେବା କଥା ସେତୁଟା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବ ତା ଜୀବନରେ। ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ହି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। କାରଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍, ସାଧନା ସରଗମଙ୍କର ଗୀତ, ଚମତ୍କାର ସ୍ୱର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଖତିଆର ଅଛି, ଠିକ୍ ହେ କି ନାହିଁ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା, ବେଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କଲିକତାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକିକି ରଖିଥାନ୍ତେ। ଚେନ୍ନାଇରେ ବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବା ଆସାମରେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଉପରେ। କାରଣ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା। କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ। ମୋର ବିଶେଷ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି। ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଦିସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କମ୍ପୋଜର ରାଜକିଶୋର ଗୋଚ୍ଛାୟତଙ୍କୁ। ଗୌର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଛି ଆକାଶବାଣୀରେ, ଚମତ୍କାର ଲେଖନ୍ତି, ସିନେମାରେ ବି ଗାଇଛି। ଆଉ ବିପିନ ବାବୁ ବି ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଡିଏଭି ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହୋଦୟ। ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବାଲାଙ୍କୁ ମୋର କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଟିକେ ବଢ଼ିଆକି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ରଖିବେ, ବାଲେନ୍ସିଂ କରିକି ଭଏସ୍ଟାକୁ ଉପରେ। ମୁଁ ରୋକନା ଚାହୁଁଗା। ହଁ ଭୟା, ଆପଣ ଇତନା ଓଡ଼ିଆ ଗାନେ ବି ଗାଏ, ଆପଣ ତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଗଜଲ ବି ଗାଇ ହେ, ଥୋଡ଼ି ଦୋ ବାତେଁ ଓ ବି ହୋ ଯାଏଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଲିଗଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିଖିଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଜାଣିଛି, ପଢ଼େ ହିନ୍ଦୀ କମ୍ପଲସରି। ମୋତେ 2 ମାସ ଲାଗିଥିଲା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁକି, ଲେଖିବା ପାଇଁକି। ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁର ଗୁଡ଼ାଏ ସାୟରମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛି, ଦେଖିଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାରାତାରିଜ ସାହେବ ଆଏ ହୁଏ ଥେ, ବହୁତ ସାଲ ହୋଗେ, ଏଇଠି ବସି ଗାଉଥିଲି ଗୀତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ମେ। ଏଇଠି ଜଗଜିତ ସିଂ ବି ଗା ରହେ ଥେ। ହମାରେ ଦୂର କେ ଦର୍ଶକୋଁ କେ ଲିଏ ଥୋଡ଼ା ସା ହିନ୍ଦୀ ମେ ବି ବୋଲିଏ। ବଡ଼ି ଫକ୍ର କି ବାତ ହେ ଜୀ କି ହମାରେ ପ୍ରଦେଶ ମେ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟହାଁ ପର ପଧାରେ ଥେ କୌନ ଦୋ ମହାନ ହସ୍ତିଆ, ଉନମେ ସେ ଜଗଜିତ ଭୟା, ତାରାତାରିଜ ସାହେବ, ତରତ ମେହମୁଦ, ଇଏ ଅନୁପ ଜରୋଟା, ଇଏ ସବୁ ଆଏ ହୁଏ ଥେ। ୟହାଁ ପର ବୈଠ କେ ଓ ଗା ରହେ ଥେ ଗଜଲ। ଆପକୋ କ୍ୟା ବତାଏ ହମ,
वो महफिल अलग थी और शाम अलग थी। आहा क्या बात, किसको कातिल कहूँ किसको मसीहा कहूँ, सब यहाँ दोस्त बैठे हैं किसे क्या कहूँ। आहा क्या बात, ये गजल गाए थे जगदीश साहब। जगदीश सिंह का गोड़ा होची जे गोल्डन वॉइस लाइक केल साइकिल। लता जी कहते जे अगर अच्छा गवैया बनने के लिए कोई चाहता है दिल से, मैं तो कहूँगा केल साइकिल साहब एक है, जिनकी आवाज़ सुन के हम आज मुंबई में हैं और गाना गा रहे हैं फिल्म में। लता जी को यही भाषा थीला, तो तेणुकर गजल गाइबा को हेले आमको प्रथम उर्दू लांगुएजा को जाना हम कंपलसरी, एवं पाकिस्तान सिंगर्स मान को लाइक बेगम अख्तर, मेहंदी हसन, गुलाम अली, इम्तियाज अली खान, एम को सब शुणा को पड़ो। से मैंने कौन गाई गजल स्टाइलटा कौन ता गायकटा कौन, मु गोटे गजल गाई लेखा कैफी आजमी को लेखा जी फादर ऑफ शबाना जी। वो सर फिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे, जलना पड़ा मुझे, वो सर फिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वाह वाह वाह, ये हूँ गजल। तुम उर्दू भाषा टा को प्रथम आगे न जाने गजल गाइबा उचित नुहे, टिके अल्फाज एपट सेपट है गले ता अर्थ अलग है जाए। ओके बस मोर विशेष कहवा किसी चाहे नहीं, आउ समय नष्ट करा चाहे उपभोग करूँ आज संध्या को आपण मैंने इतना आम गण प्रदीप बाबू बसचंती, प्रदीप महापात्र ग्रेट कनेसियर ऑफ म्यूजिक, बिल्कुल ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, कलिकता रुहत ये इंटरनेशनल लेवल लोक आज्ञा ये जहाँ प्रोग्राम करती आपण मैंने अनुमान करें। कलिकतार गोटे प्रोग्राम करी मुझे जाइली सत्यजित राय ऑडिटोरियम गीत गायक आसती प्राय 22टा कि 21टा गीत मु गाय। थैंक यू गीतिकार मान को धन्यवाद जनाऊँ समस्त को जे से जीवन मन प्राण देकर गीत को देखी, गायक गायिका मान को धन्यवाद दूसरी आशीर्वाद करूँ महाप्रभु एमती भल गीत गातु, भल गीत गाइले रोग चली जाए, भल गीत गाइले मनटा भल रहे, भल गीत गाइले राज्य भल रहे। धन्यवाद, बिल्कुल वंदे उत्कल जननी। थैंक यू सो मच। लक्ष्मीनारायण महांती भी बस आज्ञा जन कंपोजर एवं महान गीतिकार। थैंक यू सो मच सर। मनोत्र भी आम अतिथि बंधु मान को प्लीज हैव योर सीट एंड एंजॉय द शो। थैंक यू। केवल संगीत से राज्य नहीं देश भी यूनिट हो सकता है, एकत्रित हो सकता है। थैंक गॉड हमारा राज्य ओडिशा बहुत ही शांतिपूर्वक है, दूसरे राज्य में बहुत इधर उधर की हो रही है। तो हम सब ओडिशावासी हम अमन के मानने वाले हैं, हम अमन के पुजारी हैं। हमारे शहर में दंगा रहने दो, हम अमन के पुजारी हैं, हमारे शहर में दंगा रहने दो, हमें लाल हरा में मत बांटो, हमारे छत पे तिरंगा रहने दो। तो गजल उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, उड़िया भाषा हमें इकट्ठा करता है, एक यूनिटी बनाता है। थैंक्स टू हमारा राज्य ओडिशा, हमें ओडियावासी हमें समस्त को आगे प्राउड फील करूँ। हमें मुझे जितेबले भी मुंबई के दिल्ली शोज पाई जाए मुझे केवे कहे कि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता, मुझे सब बड़े मो ओडिया माटी को ही आगो को रखे। मु बीइंग ए ओडिया पर्सन आई लव माय स्टेट। थैंक यू सो मच।
Please have your seat and enjoy the show. And thank you so much, ladies and gentlemen. The time has come which we are eagerly waiting for. So now hold your heart. And here is the first song our audience in the auditorium can watch on our projector screen, LED screen. Those viewers sitting at their home can watch on their smartphone and smart TVs. Let's watch now. Can we have our first song? जो पहला गाना हम पेश करने वाले हैं ये हिंदी नज्म है जिसको लिखा सुब्रत महांती जो कि यूएस में रहते हैं आज हमारे बीच यहां मौजूद नहीं है राजकिशोर गुच्छा जी ने इसे संगीत से सजाया था गाया था बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर एक्टर तलत अजीज साहब ने यादों के मौसम में अक्सर याद तुम्हारी आती है अशकों की बारिश में बहकर याद तुम्हारी आती है एक मुद्दत से सोया नहीं हूं उंगली रख दो पलकों पर आएंगे ख्वाबों कहकर याद तुम्हारी आती बेचैनी के आलम में भी ख्वाहिशों में न रहने दो बेचैनी के आलम में भी ख्वाहिशों में न रहने दो यादों की उलझन में और यादों की उलझन में और साजिशों में न रहने दो बेचैनी के आलम में भी ख्वाहिशों में न रहने दो चेहरा तुम्हारा दिखता है चाहत के सहरा में भी दिल अफसाना लिखता है धुंधले धुंधले ख्वाबों में जब चेहरा तुम्हारा दिखता है चाहत के सहरा में भी दिल अफसाना लिखता है यादें सताती हैं जब मुझको यादें सताती हैं जब मुझको
रंजिशों में न रहने दो, बेचैनी के आलम में भी ख्वाहिशों में न रहने दो, बेचैनी के आलम में भी ख्वाहिशों में न रहने दो। जब शम्मा लेकर शाम हमारी कटती है, तेरी तमन्ना चुपके से जब आह से मेरी जलती है, यादों जब शम्मा लेकर शाम हमारी कटती है, तेरी तमन्ना चुपके से जब आह से मेरी जलती है, यादें सताने लग जाए तो, यादें सताने लग जाए तो, बंदिशों में न रहने दो, बेचैनी के आलम में भी ख्वाहिशों में न रहने दो, बेचैनी के आलम में भी ख्वाहिशों में रहने दो, यादों की उलझन में और, यादों की उलझन में और, साजिशों में न रहने दो, बेचैनी के आलम में भी ख्वाहिशों में न रहने दो, ख्वाहिशों में न रहने दो, ख्वाहिशों में न रहने दो। बेचैनी के आलम में ये जो है नगमा मिस्टर सुब्रत मोहंती ने ओरिजिनली लिखा, जो अमेरिका में रहते हैं, और उसको फिर उसका तर्जुमा और उसकी पॉलिशिंग अलग उर्दू में मेरे दोस्त हसन काजमी ने की है, और इसकी धुन जो है बहुत खूबसूरत धुन बनाई है मिस्टर राज किशोर, और मैंने ये गाया भी अभी और मुझे बड़ा लुत्फ आया। मुझे यकीन है आई थिंक दैट यू विल आल्सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, नगमा है एंड इट्स गॉट अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, उसमें एक पेथोस है, दर्द है, और दर्द में एक बहुत ही खूबसूरत एक माहौल बन गया है, और इसका जो म्यूज़िक अरेंजमेंट है वो यंग लड़के ने किया है हृदयनाथ, उसका बहुत ही एक अलग मूड बनाया है, तो मुझे गाते हुए भी बड़ा मज़ा आया, एंड इसमें बहुत खूबसूरत एक कुछ जगहें हैं और फील है, दैट्स द मेन थिंग। सो आई विश दिस प्रोजेक्ट ऑल द वेरी बेस्ट। क्या खूबसूरत तलादा जी साहब ने इसे गाया। एक्चुअली प्रणब सर यहाँ बैठे हैं, जानते हैं गज़ल एक समथिंग डिफरेंट थिंग, ये नज़्म थी, गज़ल है समथिंग। गज़ल को बहुत लोग जान नहीं पाते कि गज़ल एक्चुअली है क्या, गज़ल किसे कहते हैं, मेरी समझ में भी नहीं आता, लेकिन मैंने जो एक दिमाग में सोचा है कि एक जंगल में हिरन जा रही दौड़ते हुए, किसी ने तीर मारा, शिकारी ने, तीर उस हिरन के कलेजे में लगा,
और जो उसकी जबान से आह निकली शायद इसे गजल कहते हैं। ये दर्द, मोहब्बत, जुदाई और आंसू हो तो गजल होती है, सिर्फ अल्फाज ही पैदा नहीं करते माने, जज्बे दिले फन हो तो गजल होती है। चलिए राजकिशोर गुजायत जी, और हम ये इसको बारे में फिर से एक बार मैं बता दूं कि इस गाने को लिखा हमारे यूएसए में रहते हैं सुब्रत महांती सर ने, राजकिशोर गुजायत जी ने इसे संगीत से स्वरबद्ध किया बेचैनी के आलम, और जिसे गाया द मशहूर अभिनेता भी थे, कितनी फिल्मों में हीरो का भी काम किया है, गज़ल तो बहुत माशाल्लाह वो गाते हैं, और अप्रूव्ड स्टूडेंट हैं मेहदी हसन साहब के, तलत अजीज साहब। एक यंग जनरेशन को बता दूं, सानिया मिर्ज़ा के अंकल हैं तलत अजीज़, अब ये भी आपके लिए बता दिया मैं। तो चलिए वर्तमान हमें जीवा सेकेंड सॉन्ग को, नेक्स्ट सॉन्ग, तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग पहले आप देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं बताऊंगा। तो आखिर आखी मिसीबा आगुरु, मिसिबा आगारो किए जानु थीला तोते, तो आखिरे आखी मिसिबा आगारो किए जानु थीला तोते, तो आखिरो को था पढ़ीबा गरु, तो आखिर कथा पढ़ीबा गरु, किए जानु थीला तोते, तो आखिरे आखी मिसिबा गरु, किए जानु थीला तोते, तो आखिर आखी मिसिबा गरु, किए जानु थीला तोते। हसजते मोरा चोराई निलू तू पण तपताई दिने, से दिनु खोजोछी सारा सहरटा फिकुणा तुम मोने, मोहसा तो उठा छुई बागारु, मोहसा तो उठा छुई बागारु, किए जान थीला तोते, तो आखिरे आखी मिसिबा गरु, किए जानु थीला तोते, तो आखिरे आखी मिसिबा गरु, किए जानु थीला तोते।
স্মৃতি ফেরি গল অধা চলা পথ ছাই কো লাগিলা ডর কারে পছুকে হি পণ তধরিব কহিব করণি পর বসন্ত লোহরে ভিজিব গরু বসন্ত লোহরে ভিজিব গরু কিয়ে জানু থিলা তোতে তো আখিরে আখি মিশিব গরু কিয়ে জানু থিলা তোতে তো আখিরে আখি মিশিব গরু কিয়ে জানু থিলা তোতে आज मैं पहली बार जिंदगी में एक ओडिया गाना गाया हुआ है जी हाँ पहली बार और ये मतलब सहरा जाता है मिस्टर राजकिशोर को उन्होंने गवाया मुझसे और ये मुझे देखिए गाने में तो तकलीफ नहीं थी सिर्फ एक्सेंट तलफ़ुज़ जो कहते हैं ना और चूंकि मैं तलफ़ुज़ जानता हूँ मतलब मेरी ज़बान का ये ज़बान मेरे लिए बिल्कुल नहीं है तो आज थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और अच्छा लगा और ये मुझे बताया गया कि ये जो इसके लिरिक्स हैं बसंत कुमार दास बहुत ही मशहूर और सीनियर लिरिक राइटर आई मीन पोएट हैं ओडिशा के मुझे बताया गया कि कम से कम ये 8000 से ज़्यादा गाने लिख चुके हैं अभी तक वाओ तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसा गाना मुझे गाने को मौका मिला गाने का मौका मिला और पहली बार मैं ओडिया में गाया और राजकिशोर इसके कंपोज़र हैं तो राज विश यू ऑल द बेस्ट और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने गाया वो आप सब कबूल करेंगे सर कबूल नहीं करेंगे आपको सब बहुत प्यार भी देंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे और भी कोई अगर म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो इस कलाकार को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें हालांकि जिसे उन्होंने कहा कि डिक्शन में थोड़ी बहुत इधर हुई लेकिन यकीन मानिए आप लोग अगर अपने घर में अगर टेंशन है नींद नहीं आती परेशान है गज़ल सुनना शुरू कर दीजिए आपके लाइफ में सुकून आएगा क्योंकि गज़ल आपको बिल्कुल माँ की गोद की तरह आपको सहलाएगा और आपको नींद आ जाएगी हम जानते हैं गज़ल क्या है हमने सुना है कई बार तो बहुत ही बधाई देते हैं बसंत कुमार दास जी को एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए इतनी सुंदर उड़िया में गज़ल लिखी जा सकती है ये उन्होंने ये साबित किया है एंड थैंक यू सो मच राजकिशोर जी तलत अजीज साहब को पहली बार गवा के आपने लाजवाब कर दिया है तो मैं एक और गीत के बाद में मैं लेना चाहूँगा तासुरात हमारे जो गेस्ट हैं और राजकिशोर जी का चलिए अगले गाने की ओर चलते हैं बेदर्दी राती आगे देख लेते हैं देन उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत दिस इज अ ओडिया गजल लिरिक्स बाय जॉली स्वाई देखते हैं जल्दी से बेदर्दी राती थिला छी सखी मन तड़ी जीवी लागे Thank you.
ଦିନର ଦିରାତି ରାତି सुंदर बहुत बढ़िया बेदर्दी राती दिस इज दिस वाज द ओडिया गजल दीप्ति रेखा पाड़ी तांको सहित बहुत स्टेज शेयर मु करी छी एवं गोटे जगह रे आमी दुई जण को अवार्ड मिलतिला से नहीं पान थिले आज पर्यंत 4-5 वर्ष हेलाने से अवार्ड मो पाखरे सब बारंबार कॉल करे भाई मते ठीक अवार्ड पठे दियंतु शी इज अ फैंटास्टिक सिंगर एंड ब्यूटीफुल लिरिक्स जली स्वाई को पाई ठीक जोरदार करता रह जाओ बहुत सुंदर लिखी छंती एंड भगवान निकट रे आमी प्रार्थना करछु आपण एमिति लेखंतु बहुत सुंदर आपण लेखिले एवं राजकिशोर गोछाय जी मु तांको मध्ये अनुरोध करबी ठीक स्टेज को आसंतु एते सुंदर रचना एते सुंदर गीत को ट्यून करबा पई
डेफिनेटली गोटे म्यूजिक डायरेक्टर को बहुत कष्ट से फील दरकार तो मुझे गोटे जिनस पचारि कि आप जितेबाद तलता जी जी अनुराधा पटवाल जी पाखक गले रेकर्डिंग करवाई तो ये सहज न इतना आसान नहीं होगा डेफिनेटली कष्ट तो केमती आप लिरिक्स केमती इमान को कहीकि लिखिले ना ट्यून रे लिखिले ना लिरिक्स नहीं कि ट्यून कले और मुंबई केमती गले से जिन चाहिए टी आप अनुभूति टी कहतु हेलो मु सर्वप्रथमे जो मैंने मोर बरेण्य व्यक्तित्व संगीत प्रेमी अच्छा गुरु समस्त को मुझे प्रणाम करुच्ची आमर आ बहुत गीत देखार अच्छे तेनाली सर्टली कह प्रथम मोर साक्षात होता सुब्रत महांती जी यूएसए रुहति से जड़े बहुत भल लोक सी ए लाइन मानने अनलाइन देखुं कार्यक्रम यूएसए प्राय लोक देखुं से जड़े जुव गीतिकार आमर संपर्क गढ़ी उठला किसी गीत को लेकिन से थे कहले से तलताजी मुझे ये प्रिय जे गोटे शो चलता से पाखे पैसा नाला से केमती जाते कौन जाते से स्टोरी कही तो से कथा तलताजी सहित आम भी आलोचना कलु तो कथा हूँ मोर इच्छा थी किसी गजल करने तेणु गजल गायापी कि गजल लोक ही दरकार तेनाली गजल रे से ट्रेनटा भितर थी से गईपर जमी मोर माने गुरु प्रतिम बस प्रणव पटनायक जी माने तांकर मु भी तलताजी को सही कहली माने प्रणव पटनायक सर कथा कहली मुझे आम प्रणव पटनायक कथा कहली जे बहुत खुशी हेले बोली एक से ही टाइप वॉइस तेणु जो गजल स्टार्ट करने कि मुझे बहुत आगु धीरे 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 काम करूली बसंत सार अच्छा आउ त्रिपाठी सार अच्छा आमर अजय सारे बस समस्त को मत मत समस्त कहते कि गजल करूँ कितु गजल गोटे शब्द हिंदी स्पेसिफिक जो थे कि रदीप काफिया मुक्ता शेर ये सब जिनस थाए कि आम ओडिया कहीं कलु तार कार्य मान तार कह अर्थ होते ओडिया भाषा जो किसी दि अर्थ बोध गीत है जो चोरी म्यूजिक है तो आम भाला क्या आम अपज न कर किसी भल गीत या चलवा सो दैट आपे आपे से बंद होपर एमती है भितर आम समस्ते गोटे मीट रखी मुझे समझ मीट डाकी समस्त मतलब हेल्प कले कह आम समस्ते मिसिकी तलधजी आने जहाँ पैसा होगी मिसिक नहीं आसवा तो आउ किसी बंधु मान नाम ने जो मैंने भी अच्छा से मैंने स्पन्सर कले तो सुब्रत भाई लिखिले तापर पर मुझे कहली नाई जदि हिंदी में करी तेल गोटे ओडिया निहत करा दरकार ओडापी तो बसंत सार रिक्वेस्ट कली तो जहाँ हूँ आमको स्पन्सर मिलगले बसंत सार स्पन्सर मिलगले तो आम गीत मुझे नेली प्रथम से गीत शुणिले से कहे मत गीत शुणा सी मत राजकिशोर सहित कि जानना मुझे गीत शुणिला से कहले अच्छा लगता है लेकिन मैं रात को बात करूँगा पुणे रात की मुझे डरी जाइली मुझे कहना कौन कहे बोली तो जहाँ से मत से कौ गीत से राग कौन कौ ताड़े अच्छी केत मात्रा उठू एम बहुत कथा पचारे तापर कह डर कि ना से डरूनी एक्चुअली ना 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 आपण गीत मुझे गायबी एंड अनुराधा पटवाल जी कहीं मुझे गोटे जिनस कहवाक चाहे अनुराधा पटवाल जी सहित आई थिंक सबुठ अधिका जदि किए शो कर से मुझे मोर भाग्य अनुराधा पटवाल जी मोहम्मद अजीज कुमार शानू अभिजीत भट्टाचार्य एवं माय फेवरेट मन्ना डे जी सहित भी मुझे स्टेज शेयर एंड लेजेंडरी पंडव किशोर पटनायक जी सहित भी तो भाग्य मुझे वर्तमान सिचुएशन अनुराधा जी टे डिस्टर्ब रोटी तांकर माइंड मु एबे रिसेंटली दि तीन टा लाइव शो रे से टिके चिड़चिड़ हो जले हमें रिकॉर्डिंग समय रे जितला आसले से माने टिके व्यस्त थिले तापर से चिड़चिड़ अपनटा टिके एज आउ टिके किछ माने तो हां तांकर 53 रे से जन्म तांकर किंतु पुओ एबे बसे दिवस आगर यंग पुओ तांकर चली गन तो हमर मोर जे को सिंगर तांकर जे को सिंगर थिले से हमर ओडिसा रो जगदीश स्वाई से मुंबई रुहत से सहित मिसिकी गाते डुएट बट सी डरी जाइए जे सी कौन एमती हो गई ना ना मुझे मैडम को कहली बोली मैडम टी आम भिडियो नबू तो पोलाइटली कहले राजी हो गले कि मैक्सीम जाइंटर भिडियो आनी पार ना मुझे कहली से कहे अच्छा ठीक है ठीक है चलो बिल्कुल ठीक कथा कहे कि सेल्फी लोक उठाई भी सी मना कर बिकज सी इज वेरी डिस्टर्ब नाउ तो गीत भी एबे भी किंतु गाउछन्ती बहुत सुंदर तो थैंक यू सो मच आप तलत अजीज जी प्रथम ओडिया गीत आम ओडिया दर्शक बंधुओं को पाई कंपोज कर थैंक यू हेड्स ऑफ यू करता टी जोरदार हो जाओ राजी आ गोटे कथा कह आप रागे कह कहतु डेफिनेटली रागे ना रागे कहीं आप बढ़िया एंकरिंग कर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद
बहुत ही बहुत बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम हो रहा है एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो मु भी बहुत मु चाहे भी आप दर्शक बंधु आप देखते केते सुंदर कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट आसुची फेसबुक रे एबे भी आप जदि लाइक किंबा सब्सक्राइब करना 113 सिग्नेचर स्टूडियो फेसबुक रे जानतु गोटे सुंदर कॉम्प्लीमेंट मु जो गजल विषय कहली जड़े बहुत ही बढ़िया लिखी थे आम निहार रंजन आचार्य वेरी नाइस वर्क बाय राजकिशोर जी पढ़ेला से कहले कि समुद्र के पानी को एक ही लोटा में भरना वो चला गया अब कमेंट पीछे चला गया पूरा समुंदर को डेफिनेट वही समुंदर के पानी पूरा समुंदर को एक कुजे में या एक कुएं में भरना बड़ा ही उसी को कहते हैं गजल बिल्कुल नहीं आ रहा यहाँ मौजूद हैं वो थैंक यू सो मच तो मैं डायरेक्ट यहाँ से और बहुत सारी कॉमेंट्स टोरंटो कैनेडा से हमीदा दमानी जी उन्होंने उर्दू माने उर्दू गज़ल को भी तो पसंद किया उन्हें कहा कि जो उड़िया है मैं भाषा समझ नहीं पा रही हूँ बट मैं इसके शब्दों की फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ टोरंटो कनाडा से तो डेफिनेटली और हमारे उड़िया फिल्म की प्लेबैक सिंगर एंड हिंदी फिल्म की प्लेबैक बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर संगीता महापात्रकर फ्रॉम USA वो भी हमें ज्वाइन की उन्होंने भी ऑल द बेस्ट कहा थैंक यू सो मच वर्तमान आसन तो हमें नेक्स्ट गीतों को देखा हमें दुनिया को चिन्ह चिन्ह चली गलु बर्तमान देखु वीडियो तापर आम डिस्कस करवा एंड बिफोर दैट सॉरी सॉरी एबे प्ले करूँ ना बिफोर दैट मुझे सिंगर अच्छा श्री दुर्गा चरण मिश्रा जी इज अ वंडरफुल सिंगर मुझे अनुरोध करी स्टेज को आसतु द्विपदे आगे से लाइव शुणे लोक डाउट करेंगे ये लोकों वॉइस एत मीठा केमती रेकर्डिंग स्टूडियो बोधे होती है कि बर्तमान आसत आम लाइव अल्प टिके शुणीद आम दुनिया को चिन्ही चिन्ही चली गलो किए बाचिन्हिला तोते किए चिन्ही चिन्ही चली गलो किए बा चिन्हिला तोते किए बा चिन्हिला नीरव बाटोई निजे हजि गलो नीरव कलो किए बाचिला तोते किए बाचिला किए बाचिला तोते किए बाचिला हज गलो किए बा
पांथशाला सीना खोली दे थी ला
किए बाचिन्हिला तोते किए बाचिन्हिला किए बाचिन्हिला नमस्कार आपण माने एबे जो ओडिया गजल सुनथिले आपण मानको केमती लागुथिबो मु जानिनि आमे तो बहुत चेष्टा करिछु आ सबुट बड कथा होची मो पाखरे ए गीतर लेखक गीतिकार जी अछंती वरिष्ठ गीतिकार ऑल इंडिया रेडियो रो जने प्रतिष्ठित गीतिकार बसंत सर सारे गीतर केमती आपण लिखले टिके आपण दर्शक बंधु श्रोता तुम कहे एटा केबे लिखले ये तो टीवी रे गोटे सीन आसला सेटा देखु देखु मो मन को एमती आसला मु से टीवी पाख उठी गदी एवं 3 मिनिट भीतर गीतटे लिखि गला कारण सारंकर प्राय 7000 8000 गीत लिखि छथि किंतु आज आमे जितले रेकॉर्डिंग करथुलो गीतटी माने आमे समस्त पूरा माने भाव अमर आसीला दुख माने कांद आसीला कि सार आप मो पाखे जी अच्छा जी गायले यहाँ 3 नंबर गीत बर्तमान जो रिलीज है आहुरी बहुत बढ़िया बढ़िया गीत अच्छी दुर्गा चरण मिश्र सर आर अनुभूति सर आप कौन अनुभूति गीत नहीं नमस्कार आई गीतटी गायबापी मोर स्वतंत्र अनुभूति थिला मोर जीवन प्रथम ओडिया गजल आउ रचना करथिले आमर वरिष्ठ गीतिकार आकाशवाणी दूरदर्शन सबुर स्वीकृतिप्राप्त गीतिकार श्रीजुक्त बसंत दास सर आउ सुंदर भाव स्वर संयोजना करथिले आमर एक नियारा संगीत निर्देशक आगधाड़ीर संगीत निर्देशक श्रीजुक्त राजकिशोर गोछात सर आपण को ये गीतटी निश्चय भल लगे बोली आशा करे आीतटी आपण मान केमी लगला मतामत देवे आम को भल पाइबा देवे बोली आशा करे हाँ ये गीतने जो मैंने टीम रे जो मैंने काम करम वर्क यहाँ समस्त सहयोग ना गीतटी सुंदर हेनी तो आमको भल लगुच आपन को भल लगुच क्या भल लगुच सब भल लगे पचर भल लगवा ना पचर गोटे बहुत परिश्रम थाए से परिश्रम जी मैंने आम समय स्टूडियो गीतटी करूँ बाकी जी प्रोग्रामिंग कर अभिषेक अति मानने वयस कम मैं भी बहुत बढ़िया कर अभिषेक पाणीग्राही आए आप देखिपी वीडियो जी भी कर सुब्रत तेणु समस्त को मुझे धन्यवाद दौची आपण मैने जो ओडिया गजल ट्रेंड जो ओडिया गजल कहतु बा गजल बेस्ड ओडिया सॉन्ग कहतु कितु कथी हूँ इतनी जे आम भाषा भाषा सहित ओडिया मानने संगीत व्याकरण गोटे शुद्ध गीत आपण मानक देवाई सब चेस्टा रखुचु लेखार कौन व्यतिक्रम रही ना आमती आम अपकमिंग जेनेसन जानवे जे हाँ गोटे साहित्य से रही संगीतर मान राग रागिणी रही तेणु निश्चिंत आपम को उत्साहित करेंगे आई गीत को सेयार करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को आबुठ लास्ट कथा मतामत निश्चय रखिए जब भल लगे भल लिखे खराब खराब होते भी आमको संशोधन करेंगे लिखे जय जगन्नाथ नमस्कार जगन्नाथ एंड मु अनुरोध करी वन्स अगेन आपने टे जोरदार करताली दिंतु लेखक आम राइटर बसंत कुमार दास को भाई राजू भाई को भाई थैंक यू सो मच बहुत छोटे छोटे गोटे कमेंट आशुतोष मेहर लिखिंट दुनिया को चीनी चीनी जीवन चित्र गीतिकार जीवन दर्शन तर क्या बात है बहुत सुंदर कमेंट्स कम्प्लीमेंट सिंगर शाइनी इज अ वंडरफुल सिंगर से लिखिंट वेरी हार्ट टचिंग राजू बाबू एटा राग शिवरंजनी देखंतु कमेंट्स दर्शक आमर से अति प्रिय आमर संगीता महापात्रकर फ्रॉम यूएसए शी इज अ प्लेबैक सिंगर ऑफ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड टू से लिखिंट राग राग शिवरंजनी पे आधारित ये सॉन्ग है क्या बात है दर्शक भी हमारे सभी जानते हैं थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच बर्तमान आसतु आम नेक्स्ट गीत देखा आम गीत हूँ देखु देखु दिस इज नॉट ए गजल ए लाइट सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू ठीक लाइट मूड में आपको सुनंतु बहुत सुंदर गीत एवं या गई अनुराधा पडवाल जी एवं मुंबई रे वर्तमान अच्छा आम ओडिया गायक सिंगर जगदीश स्वाई जी एवं गीत लिखिचले प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी एवं म्यूजिक वंस अगेन राजकिशोर जी आसंतु देखिबा ए वीडियो देखो देखो
ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାରା ରାତି ଫୁଲ ଦେଖୁ ଅଜାଣତେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାରା ରାତି ଫୁଲ ବରସିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଜାଣତେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାରା ରାତି ଫୁଲ ବରସିଲା। ଚୁପେ ଚୁପେ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ କେଣ ଛାଡ଼ି ଦେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବରସାରେ ଦେହ ପିଛି ଗଲା। ଚୁପି ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଦେଲା, ବିରତିର ବରସାରେ ଦେହ ଭିଜି ଗଲା। ହାଇରେ 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 ଦେହରୁ ଦେହକୁ ଧୀରେ ମଣି ଛୁଇଲା। ହାଇରେ 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 ଦେହରୁ ଦେହକୁ ଧୀରେ ମଳୟ ଛୁଇଁଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା କହୁ କହୁ କିଛି କଥା ଅଧା ରହିଗଲା। ଅଜଣା ଫୁଲ କେ ଦେହ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଲା। ହାଇରେ 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 ଅଜଣା ଫୁଲ କେ ଦେହ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଲା।
সারা রাতে ফুল বরসিলা চুপি চুপি প্রেম পক্ষি ডেড়া ছাড়ি দেলা বিরতির বরসারে দেহ ভিজি গলা হায়রে 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 দেহরু দেহকু ধীরে মনেয় ছুঁইলা হায়রে 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 দেহরু দেহকু ধীরে মলয় ছুঁইলা सारा राती फूलो बरसिला ये जो गाना गाया है उड़िया बॉन्डेड सॉन्ग है जिसका लिरिसिस्ट मिस्टर प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी है और इसका म्यूजिक राज किशोर घुचिया जी ने दिया है। बहुत मेलोडियस गाना है, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही लकी हूँ कि इनके साथ मैंने शो किया और राजू भाई क्या बेहतरीन कंपोजिशन आपने किया है, थैंक यू सो मच। मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी के लिए एक जोरदार तालियाँ हो जाएँ। और हमारे जगदीश सोएं, जगदीश स्वाई जी मुंबई से हमें प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, उन्होंने साथ में गाए, बहुत सारे बेहतरीन कमेंट्स भी आ रहे हैं। अभी समय कम है तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रताप कुमार पंडा जी जो इतने बेहतरीन लेखक हैं, इतनी खूबसूरती से इस गाने को लिखा है, इतने सुंदर बढ़िया भावे लिखी एवं या गई आउ जड़े बॉलीवुड सिंगर जे जड़े गजल सिंगर भजन सिंगर एवं फिल्म मध्य भी गई कुमार सत्यम। आसतु आम दर्शक बंधु मथारे सिंदूर ए गीत आम शुणा और राजू भाई आउ गोटे सुंदर म्यूजिक कंपोज देखा ये वीडियो। वन सेकेंड मु धन्यवाद देवी प्रताप कुमार पंडा भाई को पाई टिके जोरदार कलताली हो जाओ, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया लेखा एटा। मथारे सिंदूर पिंधीबा आगो চিহ্নি পারিলুনি মোতে তো চিহ্নি পারিলুনি মোতে মথারে সিন্দুর পিন্ধিবা আগরু চিহ্নি পারিলুনি মোতে মথারে সিন্দুর পিন্ধিবা আগরু চিহ্নি পারিলুনি মোতে তো চিহ্নি পারিলুনি মোতে মিলন বরসারে ভিজিবা আগরু মিলন বরসারে ভিজিবা আগরু চিহ্নি পারিলুনি মোতে 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 চিহ্নি পারিলুনি মোতে মথারে সিন্দুর পিন্ধিবা আগরু চিহ্নি পারিলুনি মোতে জীবন হাটরে অজনা পথরে
साथी करी थीली तोते साथी करी थीली तोते करी थिलु पाण पके तुराण करी थिलु पाण पके तुराण छाड़िबोनी बोली मुते सोना सबरी रे बसिबा मुहरे सोना सबरी रे बसिबा मुहरे चिन्ही पारिलुनी मोते 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 चिन्ही पारिलुनी मोते मथर सिंदूर पिंधिबा अगोरु चिन्ही पारिलुनी मोते ओ चिन्ही पारिलुनी मोते प्रताप जोड़ू बीरह जुईरे जोड़ू पिराती भव जोड़ू पिराती भव आत्मार वियोगे जियांता शरीर आत्मार वियोगे जियांता शरीर पलटी जाई सब से भाव अभाव करिबा अगोरु से भाव अभाव करिबा अगोरु चिन्ही पारिलुनी मोते 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 चिन्ही पारिलुनी मोते मथर सिंदूर पिंधिबा अगोरु चिन्ही पारिलुनी मोते नमस्कार, मैं हूं कुमार सत्यम और मैं एक गज़ल सिंगर हूं। उड़िया गाना एक मैंने गज़ल बेस्ड किया है रिसेंटली, और जिसके कंपोज़र हैं राजकिशोर जी और प्रताप कुमार पंडा जी इसके राइटर हैं। तो पहली बार मेरी एक कोशिश है उड़िया गज़ल बेस्ड कुछ गाने की, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगी ये गज़ल और आप लोग इसको बहुत सारा प्यार देंगे। बाकी राजकिशोर जी ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें और कंपोजिशन कमाल की है। और मैं बता दूं कि उड़ीसा तो मेरा जाना कार्यक्रम में होता है, लेकिन मैं कभी उड़िया गाना उतना नहीं गाया था, तो उतना क्या मैं गाया ही नहीं था आज तक, तो ये पहला है मेरा। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरा ये डेब्यू हुआ है उड़िया सॉन्ग का, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू राजकिशोर जी और प्रताप कुमार पंडा जी जो राइटर हैं इसके, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस गाने को गवाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, उन्होंने तो कह दिया है और मुझे उम्मीद है कि सच वंडरफुल वंस अगेन है अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बाय फॉर प्रताप कुमार पंडा जी के। प्लीज़ एक ज़ोरदार तालियां हो जाए प्रताप कुमार पंडा जी के लिए, सच वंडरफुल लिरिक्स ही हैज़ रिटेन एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कंपोजिशन बाय राजू भाई। एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट समीक्षा मिश्रा ऑन स्टेज प्लीज़।
जो मैंने ऑनलाइन देखुं से मोर नमस्कार विशिंग ऑल यू अ वेरी गुड इवनिंग अ वेरी म्यूजिकल इवनिंग आशा करुच्छे आपण मैंने आज संगीत संध्या निश्चय भाव एंजॉय करुथिबे जदि भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे गीत शुणे और प्रमोट करेंगे थैंक यू उठ हारी गला कहिबा को जेते कहि देला किछि आखी उठ हारी गला कहिबा को जेते कहि देला Thank you, Samiksha. It's such a wonderful singing. You have a wonderful voice, a typical ghazal voice. So, ab jitna bhi apno chahile apni future bhi gaye pe. Bartaman asuntu ei sundar gito otto hari gola. Bahut sundar bhavire lekichanti amar ati priyo lyricist once again Basant Kumar Das ji and music by Raju bhai Raj Kishore Gochhai ji. Asuntu dekhiba ei sundar video ti. रहिले रहिला बाकी
नमस्कार मुँ आपणकर प्रिय संगीत निर्देशक राजकिशोर गोच्छेद आपण एबे जो गीत शुणिले एहाकु आमे ओडिया गजल कहिपारिबा जदि बा गजल न कहिपारिबा ताले गजल आधारित गीतटि मध्ये कहिपारिबा मोटामोटी भाबरे कहियो गले आमे सबबेले चेष्टा करिछु ओडिसा रे भलो लेखा भलो लिरिक एवं संगीत रागरागिणी उपरे जेमिति आमर ट्रेडिशनल जेमिति हेइ आसुथिला सेमिति हेबा पई कि तो यही परिप्रेक्षी में मो सहित जी मत विशेष खोराक जोगे स्वर पाईक लेखा पाईक मोर स्वर हो पारी आपन को कमी लेखा लगी मतामत निश्चय देवे तो मुझे कथा कह ची सी बसंत कुमार दास जी कि ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन अप्रूवल लिरिसिस्ट प्राय 8000 गीत से लिखि सारे अनेक गीत रही किसी गीत जो गीत देखले भी बढ़िया लगे स्वर करने प्रत्येक म्यूजिक डायरेक्टर तक गीत को स्वर आराम से करें गीत भाव लाड़ित भरिक रही तो सी गजल अंदाज लिखिंट गीतटी को जमी गजल सायरी जमी लिखा जाए आदीप काफिया ये सब से बाबद लिखिंट आम चाहूँ ओडिया गोटे गजल रे गजल ट्रेनटा पुणी स्टार्ट कर सिंगर चयन में मुझे बहुत सिंगर तो एमती आम गोटे ऑडिशन करूँ तो समीक्षा मिश्र जी गाई समीक्षा मिश्र ऑल इंडिया रेडियो रो जने कंठशिल्पी से बाहर मतलब खूब ना रही सब बड़ कथा ला ये गीतने समस्त आम बहुत मेहनत करीचु तो कौन आउटपुट आपण मैंने ही कहे ये टाइप रीत जब भल पाँच निश्चिंत आम को उत्साहित करेंगे लाइक करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मोर आशा जय जगन्नाथ बंदेव नमस्कार थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया बहुत सुंदर भाव में उठ हारी गला ओडिया गजल जाके समीक्षा यू डिड ए वंडरफुल जॉब जोरदार करताली जाओ समीक्षा सच ए वंडरफुल सिंगिंग सोलफुल सिंगिंग थैंक यू सो मच बसंत कुमार दासजी बसंत भाई सुंदर लेखा कि सुंदर लिखिं बहुत बढ़िया एवं राजू भाई सच ए वंडरफुल कंपोजिशन बर्तमान आसत आम नेक्स्ट गीत देखा बा सुनिबा पूर्वर जन एमती कंठशिल्पी वेरी यंग वेरी टैलेंटेड रियलिटी शो रे आपण माने देखुथिबे एवं जहाँ को मुझे कि प्रणव पटनायक जी को गीत को नहीं आधारित गोटे सुंदर कार्यक्रम होता है सही से विनर होते एवं यही वर्ष 2022 रे इंडियन आइडल सिलेक्ट होती मुंबई पर तो अनुरोध करी से ही कंठशिल्पी टी जबरदस्त करताली दे स्वागत करूँ None other than amo samastanka favorite Sandeep Mishra ah.
আখি তোরা নীল জ্যোৎস্না চল চঞ্চল ঝরণা ওঠ গোলাপ বাসনা মতুয়ালা মহু ফেড়া হসি দেলে খেলি যায় গালরে ভরি রুষে অভিসারি জন্ম তো রূপকু চুরি চুরি কিয়ে তু কিয়ে তু তু কিয়ে মু বাকিয়ে তোর তো ভিতরে খোঁজি বুলে মু আউ মোর আখি তোর নীল জ্যোৎস্না চল চঞ্চল ঝরণা জ্যোৎস্না চল চঞ্চল ঝরণা ওঠ গোলাপর বাসনা মতুয়ালা মহু ফেণা হসি দেলে খেলি যায় গালরে ভরি রুষে অভিসারি জন্ম তোর পাপু ঝুরি ঝুরি কিয়ে তু কিয়ে তু তু কিয়ে মু বাকিয়ে তোর তো ভিতরে খোঁজি বুলে মুয়াউ আখি তোর নীল জ্যোৎস্না চল চঞ্চল ঝরণা কে প্রীতি রসুসামা গজরার মহ করে চগলি কবরি অলস চাহানি কহে তু ভারি সুন্দরী কিয়ে তু কিয়ে তোর তো ভিতরে খোঁজি বুলে মু আউ মোর
ज्योत्ना चल चंचल झरणा तृष्णा तोले सुगम मूर्छना चली मीठा उन्मादना लावण्य श्वेत पद्मा मिलन रुताने प्रगल्भा मयूरी पुलकर गाए तो प्रेम सायरी किए तू किए तू किए तू तू किए मुबा किए तोरा तो भीतरे खोजी बोले मुआऊ मोर आखि तोर नील ज्योत्ना चल चंचल झरणा ओठ गोला पर बासना मतुआला मबू फेणा हसी देले खेली जाए गालरे भौरी रुसे अभी सारी जन तो रूप को झूरी झूरी किए तू किए तू तू किए मुबा किए तोरा तो भीतरे खोजी बोले मुआऊ मोर आखि तोर नील ज्योत्ना चल चंचल झरणा ओठ गोला पर बासना मतुआला महु फेणा वर्तमान आसंतु दर्शक बंधु राजकिशोर गोछायत म्यूजिक संगीत निर्देशना दौंती सहित से जड़े संगीत गुरु से डीएवी पब्लिक स्कूल कलिंग नगर एज ए म्यूजिक टीचर अच्छा प्रिंसिपल सार भी ये उपस्थित अच्छा मुझ करी भी से सुंदर स्कूल को पाई टी करताली जोरदार हो जाओ एकदम सुंदर परेशना से बर्तमान आसतु से स्कूल छात्र जड़े क्लास 10 स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट एवं राजकिशोर गोछाय जी को स्टूडेंट भी अच्छा एवं ही इज अ वेरी टैलेंटेड अपकमिंग सिंगर तो आपण मानक अनुरोध करी टी जोरदार कलताली दे स्वागत करूँ मो मंच पर को डेफिनेटली चाहिए स्वरूप मिश्रा सहरे खोजुछि मु तासहरे खोजुछि मु कळे थरे देखाहे ब तासहरे खोजुछि मु कळे थरे देखाहे ब खेले आखी आखी मिसी गले कर
हेब ता सहर खोजुछी मु दर्शक बंधु मते एमती लागुछी डॉक्टर प्रणव किशोर पटनायक जी पिलादिन कंठ मते सुभुची से बढ़िया मीठा वॉइस एवं बेटा टिके आशीर्वाद नहीं जा सर टिके आशीर्वाद नहीं जा ता सहरे खोजुछी काले थोरे देखा हेब ता सहरे खोजुछी मु सहर खोजुछी काले थोरे देखा हेब ता सहर खोजुछी काले थोरे देखा हेब देखा हेले आखी आखी मिसी गले कथा हेब से कथारे सहरटा मतुआला झूमी जीव ता सहर खोजुछी काले थोरे देखा हेब ता सहर खोजुछी पचारिली बुली बुली एठी के ही जोने थिला ता उठर धारे हस कोटी मन मुगु थिला पचारिली बुली बुली एठी के ही जोने थिला उठर धारे हस कोटि मन मुहु थिला जणे भी कहिला नाही आउसी फेरुथिब जणे भी कहिला नाही आउसी फेरुथिब ताहसर सहरटा मतुआला झूमी जीव ता सहर खोजुछी काले थोरे देखा हेब ता सहर खोजुछी हसी देली बुझी बनी हो बुझा दुनिया एठी किए बा पढ़ता कुह तनी रब आखी देखी हसी देली बुझी बनी हो बुझा दुनिया एठी किए बा पढ़ता कुह
तानी रबा की देखी गीतटी ताखिरे एबे भी अपढ़ातिबा गीतटी ताखिरे एबे भी अपढ़ातिबा पढ़ी देले सहरटा मतुआला झूमी जीव ता सहरे खोजुछी काले थोरे देखा हेब ता सहरे खोजुछी काले थोरे देखा हेब देखा हेले आखी आखी मिसी गले कथा हेब से कथारे सहरटा मतुआला झूमी जीव ता सहरे खोजुछी मुँ। पुणि थोड़े अनुरोध करी स्वरूप पट्टनायक जोरदार कर दिंतु एवं आम बसंत कुमार दास भाई एत सुंदर लेखा एवं सुर रचना करते राजकिशोर भाई जस्ट वन सॉन्ग आ गोटे गीत रही चाहिए आपर्य धरतु आ गोटे गीत रही मात्र बिफोर प्रेजेंटिंग द लास्ट सॉन्ग ऑफ द ईव मु मंच को डाकिबाकु चाहे जे अनेक वर्ष धरी आफ्रिका रे रहुथिले वर्तमान निज देश को फेरी आछंती से जणे सुसाहित्यिका गल्पिका एवं आसंतु तांको मध्ये मु मंचप को डाकिबी एवं से आजिर विषय एवं तांकर किछि कथा कहिबे मैडम लोपाबुद्रा मेकअप जी मोस्ट वेलकम गुड इवनिंग एवरीवन प्रणाम समस्त को प्रथम कथा मुझे कही रखे मुझे कौन सी वक्ता नुहे तेणु खूब कम समय मध्य मो कथा सारी सेमती भी समय हो गला गीत समस्ते शुणी सारे समस्ते आज संध्या को एंजॉय कर सारे जो स्टेज रे बरेण्य सिंगर कौन कह प्रणव पटनायक सर ना भी धरिया पे डर लगुच प्रणव पटनायक सर जो स्टेज रे आकी समय पूर्व आसन अलंकृत करते सही स्टेज रे मुझे ठिया होती मैंने भगवान को बहुत माने बहुत माने आशीर्वाद मो उपरे आ मत कि कहबार ये सुजोग दे श्री गोछात सर को भी मु बहुत धन्यवाद दूची कहबार तो उल्लेख कर स्थान ये नुहे किंतु मुझे न कहबी ताहले गोटे रिग्रेट रही मोर तेणु से मुझे खाली जस्ट गोटे लाइन कहीदेप चाहूँ प्रणव पटनायक सर मो बापा जड़े बहुत बड़ फैन बहुत बहुत बड़ फैन तेणु आज जिते से जान लें मुझे आसूची आ मत कि कहबार भी सुजोग मिले सामन तो से बहुत खुशी होते होप यू वोंट माइंड कि एमती मुदेली मझे गोटे कथा बहुत वर्ष मु रही आफ्रिकार बहुत वर्ष मु रही किंतु ओडिशा प्रति भल पाइबा ओडिशा प्रति ओडिया भाषा प्रति आउ मोर लेखा मुझे जितकी भी चेष्टा करी फॉरेन रहीकि भी मु कंटिन्यू करी सब बेले ओडिया को ओडिशा को भल पाइबा के मु छाड़ी से प्रीति मोर सब बेले रही एबे भी अछि आउ सब दिन रही थ आम ओडिशा रे टैलेंट बहुत अच्छी बाहर जितकी दिन जितकी रहीकि भी जितकी मुझे जानी ओडिशा रे टैलेंट बहुत अच्छी आमर गीतिकार हूँ संगीतकार हूँ आर्टिस्ट हूँ आमर मूवीज हो आमर टेक्नीशियंस हूँ टैलेंट बहुत अच्छी किंतु खाली गोटे कथा मुझे चाहूँ जी भी आमर टैलेंट आमर अच्छी आम ओडिया मैंने आम ओडियात्व को आम ओडियापण को भूली जावा उचित नुहे आमे जो शब्द भी यूज करें कि लिखुचू
ମୁଁ ବି କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସେଇ ଯାହା ବି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଓଡ଼ିଆପଣଟା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଝଲକଟା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମର ଗର୍ବ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ବି ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ବିଦେଶରେ ରହିକି ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମୁଁ ପରିଚିତ, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଭାବିନି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ। ସେଇ ଜିନିଷଟାର ଫିଲିଂଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି ଆସିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିଛି, ଆଉ ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ନହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେବେ ବି ଠିଆ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଆସିପାରେନି, ନର୍ମାଲି ମୁଁ ବାହାରେ ରହେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି ମୋତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଗାଇଲେ, ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମ ଓଭରୱେଲମ୍ଡ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମସ୍ତେ ତ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଲି ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ବି, ସେ ବି ମୋତେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗାଆନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ସରି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଭାବ ଦେଇକି ସେ ଲେଖନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଟଚ୍ରେ ରହେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ଟଚ୍ରେ ରହେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୁଁ ରେଗୁଲାର ପଢ଼େ ଯାହା ବି ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଜେଲସ୍ ବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିନି, ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଜେଲସ୍ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିୟସ୍ଲି ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ପିକିଂ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଭାବ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ମାନ୍ଦା ଏସବୁ ଲେଖିବାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମିତି ସବୁ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗଜଲ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଙ୍ଗର ଲାଷ୍ଟ କଥା ଖାଲି ଟିକିଏ କହିବି, ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଯେ ଆମେ ଲେଖକମାନେ କି କବିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କିଛି ଲେଖୁଛୁ, ଆମେମାନେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମ ହାର୍ଟରୁ, ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଲେଖୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ସେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଁ, ଆଉ ସେ ଛୁଇଁବାଟା ହିଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁସ୍କୁରାତେ ହେଁ ତୋ ବିଜଲିଆଁ ଗିରା ଦେତେ ହେଁ, ଥୋଡ଼ା ସା ୱାହ ବୋଲିଏ ତଭି ନା। ମୁସ୍କୁରାତେ ହେଁ ତୋ ବିଜଲିଆଁ ଗିରା ଦେତେ ହେଁ, ବାତ କରତେ ହେଁ ତୋ ଦିୱାନା ବନା ଦେତେ ହେଁ, ଏ ହୁସ୍ନ ୱାଲୋଁ କି କମ ନହିଁ ନଜର କୟାମତ ସେ, ୟେ ତୋ ଆଗ ପାନି ମେ ନଜରୋଁ ସେ ଲଗା ଦେତେ ହେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ରୁଫ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କେ ୟହାଁ ମେମ୍ବର ହମାରେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ପ୍ରୀତି ଭାଇ, ଇନ୍ଦ୍ରା ସ୍ୱାଇଁଜୀ ଅର୍ ଦୋ ତିନ ଲୋକ ହେଁ, ମେ ନାମ ନହିଁ ଜାନ ପାତା ହୁଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ହମାରେ ବହୁତ ସାରେ ସିଙ୍ଗର୍ସ ବି ୟହାଁ ମୌଜୁଦ ହେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ 113 ସିଗ୍ନେଚର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କେ ଜିତନେ ବି ଦର୍ଶକ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ରାଜୁ ଭାଇ। ଚଲିଏ ଆଖରି ଗାନେ କେ ଓର ଚାଲତେ ହେଁ, ସଚ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସମୀକ୍ଷା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା ମିଶ୍ରା। ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଆଖି କଥା କହି ହୁଏ, ଏବଂ ଏଠି ଲେଖା ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସଜୀଙ୍କ, ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। ଆଖିରେ ଆଖି କଥା କହି ହୁଏ, ତୁମଠୁ ଜାଣି
Thank you so much. Before we wind up, I would like to ask our esteemed guest say a few words about today's show ebong amar je video ja composition Raju bhai ko apan dekhile kemti lagila apan sei jaga re aram re basi ki bhi kahi paranti dhanyabad asha karche sabu gita mon re sunthibe apan mane bhal lagthi anishchay जेते जन आ भर गाइले से सुरटा को उठे ठीक भाव गाई परेषण किंतु ओडिया भाषाटा को स्पष्ट करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज कौ जगार कौ अक्षरटा को मिसे कले स्पष्ट उच्चारण हम तो सहीटा को ध्यान देवे भविष्य में एवं राजकिशोर को मोर खाली एति अनुरोध तुम्हें स्वरटा को कंपोज कर काम को टे अल्प बाद दे भल हाँ बुझ तुम कथा गजल हूँ असर हूँ से कौन गाच मान अडियटा एंजय करेंगे कौट जतिपातटा हूँ से मजा हम सही ताली मारे लोके गजल महत्व बस मोर आउ थे मुझे धन्यवाद दूची कंग्राचुलेसन जनाऊँ राजकिशोर को दया करी तुम्हें स्वर बढ़िया कर खाली काम घर गोटे कमी आर्टिस्टा फ्री हो जाए सी तार निजत्व जहाँ गलत अच्छी मसला ताकु बाहर कर बुझ थैंक यू वर्डिंग गुरा क्लीयर हम स्पष्ट हम ये ध्यान दब कारण तुम्हें गजल पैटर्न पकईच कि उर्दू भाविक ओडियाटा को भर्ती कर देच तुम गंडगोलटा से आउ किसी ना अदरवाइज इट इज वंडरफुल फर्स्ट क्लास मशा कर भविष्य आहरी भल कर आहरी भल ट्यून कर समस्त शुणे एंजय करेंगे आशीर्वाद करेंगे तुमको ऑल द बेस्ट लाइफ गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच थैंक यू अच्छा हो वेट 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 फोटो ही जाओ आप सर ऊपर को आसना ठीक है मुझे धरिकी नहीं आसत किशोर राजकिशोर नहीं 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 सर ऊपर को आसपे आज आपण से नुहत आमर अच्छा थैंक यू सो मच किसी कमेंट भी अच्छी फेसबुक रे पी सुशांत जी सिंगर शाइनी वाओ ऑल द सॉन्ग्स आर सुपर्ब हमीदा जी वेल सोल वेरी सोल सूथिंग फ्रॉम कनाडा ये राजू भाई को पाई अच्छी वाह वाह कितने सुंदर सिंगर शाइनी लिखी आमे ओडिया आम भाषा सबुठ बढ़िया क्या बात है थैंक यू सो मच बर्तमान आसतु आम सहित अच्छा से लेजेंडरी सिंगर आम ऑल टाइम फेवरेट मौरमणि डॉक्टर प्रणव किशोर पटनायक जी तांकर चीर सबुज गीत आम समस्त मन रही रड़िया ठीक हो तुम प्रदीप भाई मुझे ननड़िया कि ओडिया शिखिली ओडिया भाषा एत सुमधुर थैंक यू सो मच आज्ञा
मोर जन्म वेस्ट बेंगल थिला वर्तमान मु ओडिसा रे ओडिया माटी रे मु रही छी एवं रहिबी मरिबी एठी आसंतो से शेष श्रावण कथा चित्र से चिर सबुज गीत माझी रे से पी रहा हूँ
मेरा दम निकल न जाए, वो नजर झुकाने वाले कहीं रात ढल न जाए, कहीं रात, कहीं रात, कहीं रात, मैं नजर से फिर मेरा धुन निकल ये रियाज है जो आज भी इतनी सुंदर, कहीं भी वॉइस क्रैक नहीं, कहीं भी सुर हिला नहीं, तो एक लेजेंडरी सिंगर के लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए। थैंक यू सो मच। एंड वर्तमान मुझ चाहे भी, मैं चाहूँगा कि अभी मंच पर ऑलरेडी हम खत्म करने वाले वाइंड अप, अभी वर्तमान डॉक्टर प्रणव किशोर पटनायक जी कही आम राजकिशोर गोछायत जी को कि मो पाई गोटे गीत कंपोज करो एवं प्रतिश्रुति नहीं डेफिनेटली। एवं वर्तमान मुझे अनुरोध करी डॉक्टर प्रकाश चंद्र पाणिग्राही जी टी मंच उपरको आसतु, एवं आम प्रदीप महापात्र भाई टी आसतु स्टेज उपरको। प्रदीप भाई गोटे गीत गाइबे कि ना कौन ना कथा शुणापी डेफिनेटली। एवं तापरे वोट ऑफ थैंक्स प्रोग्राम आम वाइंड अप करिबे, किंतु किंतु गोटे सरप्राइज रही आपई टिके आओ पांच मिनट रुंतु। बैक स्टेज इमाने सब राजू भाई राजकिशोर गोछायत जी को बहुत सपोर्ट देखते प्रदीप भाई एवं डॉक्टर प्रकाश चंद्र पाणिग्राही मुझे अनुरोध करी आपण मैंने दुई दुई शब्द आज प्रोग्राम विषय डेफिनेटली कहतु, आउ पांच मिनट टी रही जातु धर्ज धरतु। आम विश्वजीत साहू ओल्ड इज गोल्ड लेजेंडरी सिंगर, थैंक यू सो मच लिंगराज साहू। कार्यक्रम शेष पर्यायर आम पहुँचे डीएवी स्कूल रे, मुझे जन डीएवी स्कूल शिक्षक 27 वर्ष चाकरी सरला भितर डीएवी स्कूल चाकरी कर पाने रही संगीत क्षेत्र में एमती गोटे कार्यक्रम पुणी जयदेव भवन भली मंचरे करिबा निहाती रूपे आमर डीएवी परिवार पाई निश्चित रूपे गौरव विषय एवं एथिपाई मु समस्त तरफ रु आमर संगीतक निर्देशक तथा आमर शिक्षक राजकिशोर गोछायत को अनेक अनेक धन्यवाद दूची। आज जो महान व्यक्तित्व गहन रे ए ऑडियो रिलीज करागला एवं महान व्यक्तित्व माने याकु लिरिक्स लिखिछंती एवं संगीत रे सजैछंती गाई समस्त को मो तरफ अनेक अनेक धन्यवाद। शेष आपण माने एते समय धरी पाखापाखी 5:30 वर्तमान पर्यंत एठारे उपस्थित रही समस्त को उत्साहित करिथिबारु पुणी थरे आपण मानको समस्त को धन्यवाद। संगीत नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम यह समस्त को बांधिक रखे, जहाँ आपण करंतु या हुचि समस्त को बांधि रखिबार एक माध्यम। मोर मध्य गोटे सांस्कृतिक अनुष्ठान लीलाद्री विहार युव सांस्कृतिक संघ को 27 वर्ष होलानी सांस्कृतिक कार्यक्रम संगे जड़ित रहिबार जो इच्छा से आज आमको एठी गाणी 5:30 वर्तमान पर्यंत राजकिशोर बसंत ठीक आ 2-3 मिनट ठीक धन्यवाद। यही परी कार्यक्रम जारी रहु एवं राजकिशोर गोछायतंकर गोछायतंकर रास्ता सुमधुर रहु एति कामना सह धन्यवाद। जय जगन्नाथ बंदोत को सर आपण कहले 5:30 रु एपर्यंत लोक अच्छा बस 5:30 रु एपर्यंत दुई जन मात्र छिड़ा होती कंटिन्यूसली जड़े मुझे आम कैमेरामैन बस कौट भी बस। थैंक यू सो मच। मुझे चाहिए प्रदीप महापात्र भाई इज ए ट्रू म्यूजिक लवर, सो मेनी ब्यूटिफुल शो ही हेज अर्गानाइज इन पास्ट, बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम से अर्गानाइज करल ओवर द वर्ल्ड रूफ स्टेज माध्यम रू बहुत किसी संगीत प्रेमी संगीत गायक मान को एकाठी बांधिकी रखी नाना दर ध्यान आम अति प्रिय प्रदीप महापात्र भाई। धन्यवाद भाई। वक्तव्य पर सीधा कथा पॉइंट को बस जेकोसी व्यक्ति जे अन्न मान गुण को बाहर करी
ताको समस्त आगे परिप्रकाश करती से हेले एक्चुअली आमर राजकिशोर गोछायत भाई बात है एक्चुअली बहुजन कर एंती टैलेंटेड सिंगर माने म्यूजिशियंस अछंती किंतु से माने से किछि जण पई रही जांदे से दुई तीन जण को प्रमोट करती राजकिशोर भाई को एटा गोटे स्पेशल क्वालिटी तांको पई स्पेशली मु आस्तली 18 आज प्रोग्राम हम डिसाइड करथलो ए डेट ता आउ जस्ट गोटे कथा हेले कहबी आपनको प्रणव पटनायक जी से तो मोर फैमिली एक्चुअली मु तो आसले आगे प्रथम हाजिरा पके तांको घरे भगवान को आशीर्वाद रु तांको सहित एते क्लोज हे गेछि मु आपण माने बहुत जन जान नथिबे अनफॉर्चुनेटली समते पळेलेनी आपण कहबी गोटे टाइम थिला 70 दशक रे तला मोर दूरदर्शन केन्द्र रे हमर जो गजल प्रोग्राम होतला अनुप जलोटा जी तलता जी जाउथले गजल के साए प्रोग्राम रो टाइटल थिला एक ही आदमी माने फ्रॉम ओडिसा फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया प्रणव सर जाउथले से समय रे एटा में बहुत जन जान नथिले आपण विश्वास के मु कलकत्ता रहे बहुत जन को धारणा जे ओडिया माने गजल गाई पारंतनी सेटा को चैलेंज करिया पई 2019 मसिया रे मु गोटे इनिसिएटिव नहीं गोटे गजल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूँ आम प्रणव पट सर को नहीं करी फर्स्ट टाइम एवर से गोटे ऑनलाइन प्रोग्राम करते गाई से परफॉर्म करते हिंदी गजल गुड़ाक एंड आम गुलशन भाई से एंकरिंग करते ट्रस्ट मी ऑल ओवर वर्ल्ड लोक देखिले से दिन सब जाने आम ओडिशा भी एभली जन आर्टिस्ट अच्छा सो समस्त रिक्वेस्ट करी प्लीज ला बिफोर लिविंग गोटे स्टैंडिंग ओवेशन आम से प्रणव सर दिखाई मैंने विरल व्यक्तित्व आम पाइबानी केड़शार थैंक यू सो मच प्रदीप भाई थैंक यू मु अनुरोध करी प्रत्येक लिरिसिस्ट एवं सिंगर्स माने जो ए वीडियो रे गाई समस्त चाहिए मंच पर आसिया पाई एवं वोट ऑफ थैंक्स जने म्यूजिक डायरेक्टर को वोट ऑफ थैंक्स कौन मुझे चाहिए वोट ऑफ थैंक्स पूर्व गोटे सरप्राइज तांको कंठरु आम गीत शुणा ना कि से दि धाड़ी हो राजकिशोर भाई दि धाड़ी गीत शुणातु एवं वोट ऑफ थैंक्स दिंतु प्लीज आप बसी जातु आ दुई मिनट समस्ते पड़े आसतु जो सिंगर्स जे माने गाई खुशी आसते खुशी खुशी लिरिसिस्ट मध्ये चाहिए आप स्टेज को पड़े आसतु एवं शेष में दुई लाइन आम राजू भाई गोटे मुखड़ा गोटे अंतरा शुणे और वोट ऑफ थैंक्स संदीप स्वरूप सर आज मुखू तो चका नयन काली बाहुड़ी अपना आज मु गाउची कालिया तो गीत आज मु गाउची कालिया तो गीत काली के नथिबो ए आसन आज मु देखुची तो चका नयन आज मु देखुची तो चका नयन काली बहुड़ी भी अपना घर काली बहुड़ी भी अपना घर कोला ठाकुर थैंक यू सो मच वर्तमान मुझे अनुरोध करी राजकिशोर गजायत जी वोट ऑफ थैंक्स दिंतु आज ये सुंदर कार्यक्रम एवं बिफोर दैट मुझे जेकोसी नुआ टैलेंट जदि आप चाहते गायबापी तो राजकिशोर भाई सहित जोजोग करूँ से गीतर जदि आपंदर वीडियो करने चाहते 113 सिग्नेचर स्टूडियो सबुदिन नुआ टैलेंट राजकिशोर भाई सहित मिसिकी से वीडियो करने भी आम प्रस्तुत अच्छे हेलो मो धन्यवाद अर्पण माने बहुत आप कष्ट पाइले बस ले बहुत समय ले प्रथम जो मैंने जो ओडिया भाई भोनी माने एवं बाहर भी जो मैंने अच्छा सर्वभारतीय स्तर में भारत बाहर समस्ते ऑनलाइन रे देखुं कमेंट्स दौंस समस्त को मो
ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଥାନୁଆ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ସେଇମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍ ଟିକିଏ ବସନ୍ତୁ, ସାର୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ୟୁଏସ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମାନେ ମୋରାଲି ଏନକରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବସନ୍ତ ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲିରିକ୍ସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପଣ୍ଡା ସାର୍ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହଁ ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲି, ବୈଷ୍ଣବ କୈଳାସ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଆସିକି ଦେଖିଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ବିଲବ୍ଡ ଆର୍ ଡି ସାର୍ ଡକ୍ଟର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଆସିପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ବ୍ୟକ୍ତ, ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଲିଗ୍ସ ଆସିଥିଲେ ମୋ ସ୍କୁଲରୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସପନ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଶର୍ମିଲା ମ୍ୟାଡ଼ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଫଟୋ ଉଠିଲେ ଭଲ ମଜା ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି ବି ମନ ଉଣା କରିବେନି, କାହା ନାଁ କହିଲେନି ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସାରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଦଟେ କହିବି, ଆମର ରାଜକିଶୋର ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସାନ ଭାଇର ବଡ଼ ଭାଇର, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖେ ସେ କେମିତି ବୁଝନ୍ତି କେଜାଣି, ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଥିବି ସେମିତି ସେ ସ୍ୱର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବି, ଦେଖିଲାକୁ ସେ ସ୍ୱର କରି ଶୁଣେଇଦେବେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ଲେଖିଛି, ଆପଣ କେମିତି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ପରା ସ୍ୱର ଆଣିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱର କରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଣେ ନ ଶିଖିଲେ, ଭାବ ଗୋଟେ ଗୀତର ଭାବ ନ ବୁଝିଲେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ତା ହୃଦୟରେ ଜଳିବ, ସେଇ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପରୁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଦାବାଗ୍ନି ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏଇ ଗୀତଟି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇଟା RS ୟୁଫୋରିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ବେଚେନ୍ କି ଆଲମ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ନଜମ ଗାଇଛନ୍ତି, ତଲତାଜିଜୀ ଗାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ RS ୟୁଫୋରିଆ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗୀତ ରାଜକିଶୋର ଅଫିସିଆଲ ନବଗ୍ରହ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ସିଗ୍ନେଚର 113 ସିଗ୍ନେଚର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ 113 ସିଗ୍ନେଚର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।